Morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, we have discussed plant tissue, a flow chart in the first lecture. In the second lecture, we have discussed about meristemic tissue, that is a part of a plant cell, plant tissue. Okay. So, plant tissue ko humne ek flow chart banaya tha. Meristemic tissue, uske niche teen part, apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. फिर आते हैं यहाँ पे इस साइड पे, वहाँ पे लिखा था हमने परमानेंट टिश्यू. परमानेंट के दो टाइप थे, एक था सिंपल, दूसरा था कॉम्प्लेक्स. तो दोनों का, सिंपल का और कॉम्प्लेक्स का मिला के जो फंक्शंस रहता है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ अ परमानेंट टिश्यू. ये दोनों के है, सिंपल के भी है और कॉम्प्लेक्स के भी है. ठीक है, फिर मैं आज आपको सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन पार्ट थे. ओके, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा. उसमें से पेरेन्काइमा आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, ओके. प्लीज सी हियर, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में पहला पॉइंट है सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. अभी भैया जैसे इसके नाम वैसे ही इसका फंक्शन, परमानेंट हो गए हैं. मेरिस्टेमिक टिश्यूज क्या करते थे, सेल डिवीजन करते रहते थे. क्यों? क्योंकि उसका काम था प्लांट्स का ग्रोथ करना. यहाँ पे क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाते हैं, मीन्स सेल डिवीजन बंद हो जाता है. क्योंकि सिर्फ ग्रोथ करने से कुछ नहीं होगा, कुछ फंक्शंस भी करने पड़ते हैं. तो यहाँ पे सेल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. अभी ये परमानेंट टिश्यू वाले, परमानेंट टिश्यू के जो सेल है वो डिवाइड नहीं हो गए, इनको जो काम दिया जाएगा वही करते रहेंगे. ठीक है, मेरिस्टेमिक वालों को क्या करना है, डिवीजन अपना कंटिन्यू रखना है और कुछ को बोलना है कि आप अभी कैसे हो जाओ परमानेंट, ये काम करो. ओके, फिर टेक अप अ स्पेसिफिक रोल. जैसे मैंने आपको बोला था डिवीजन इसको बंद करना है और कुछ स्पेसिफिक काम करना है, इसीलिए ये बन जाते हैं परमानेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस, नाउ इट इज डिफरेंशन. डिफरेंशन मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, आपको अभी पता चलेगा. यहाँ पे तो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का काम क्या था डियर स्टूडेंट्स, टू स्टोर. अभी ये परमानेंट हो गए, इसको कुछ काम करना है तो स्टोरेज तो करना ही पड़ेगा. मेरिस्टेमिक को क्या करना था, सिर्फ ग्रोथ करना था, स्टोर कुछ नहीं करना था, इसलिए वैक्यूल्स एब्सेंट थे. यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट है. इनके सेल वॉल कैसे रहेंगे, थीन और थिक, दोनों टाइप के, मीन्स डिपेंड्स अपॉन फंक्शन. कुछ सेल के थीन रहते हैं, कुछ किसी के थिक रहेंगे. फंक्शन में क्या करेंगे ये लोग, ये लोग प्रोटेक्शन देंगे, सपोर्ट देंगे, स्टोरेज करेंगे और खाना बनाएंगे, मीन्स फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू. ये सबका मैंने लिखा है. ठीक है, ये सिंपल टिश्यू का ये काम है, ये काम है, अभी वो नहीं डिसाइड हुआ. मैंने ये सबका ऐसे ही यहाँ पे परमानेंट टिश्यू क्या क्या काम करते हैं वो सब लिख दिया है. फंक्शन, प्रोटेक्शन करना है, सपोर्ट देना है, स्टोरेज करना है और खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है. ठीक है, तो परमानेंट में दो टाइप थे, सिंपल था और एक कॉम्प्लेक्स था. सिंपल का मीनिंग डियर स्टूडेंट्स ये होता है एक ही टाइप के सेल से बने हुए, एक ही टाइप का फंक्शंस करेंगे, उसे बोलेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू. नथिंग एल्स, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. जहां पे कॉम्प्लिकेशंस है उसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे. ठीक है, सो सिंपल में तीन टाइप थे, उसमें से मैं आपको पहला टाइप पढ़ा रहा हूं, दैट इज पेरेन्काइमा. ओके, तो ये पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है नोट डाउन कर लीजिएगा. स्टीम में प्रेजेंट रहता है, रूट में, लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट में, मीन्स ये तो हर जगह पे मिल रहा है. पेरेन्काइमा इज
प्रेजेंट एवरीवेयर, स्टीम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. ओके, कुछ जगह छोड़ दिए, नोड्स छोड़ दिए है, फिर शूट छोड़ दिया है, ठीक है, पैरेन्काइमा. इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है? इसके पास है थीन सेल वॉल. शायद अब आप समझ गए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है थीन एंड थिक, क्योंकि किसी के पास थीन रहेगा, किसी के पास थिक रहेगा. थीन सेल वॉल दिखता कैसा है, ये शेप कैसा है? राउंड शेप है, पॉलीगोनल शेप है, और इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट. इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट. मैंने ये इंटरसेल्युलर स्पेस आपको पढ़ाने के लिए इंटरमोलिकुलर स्पेस का इंटरमोलिकुलर स्पेस का एग्जांपल लिया हुआ था, ठीक है. मींस सेल्स के अंदर की स्पेस वो होती है. अभी इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फूड स्टोर करना. क्या करना है इसका फंक्शन? स्टोरेज ऑफ फूड. ओके, सो पेरेन, हु स्टोर द फूड? पैरेन्काइमा. हु स्टोर द फूड? पैरेन्काइमा. ओके, इन सम केसेस, कुछ किस्सों में इट कंटेन्स क्लोरोफिल. क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल. पैरेन्काइमा का अभी दो पार्ट डिवाइड होने वाला है. जिसके पास क्लोरोफिल रहेगा उसे हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा. क्या बोलेंगे उसे? क्लोरेन्काइमा. ओके, पैरेन्काइमा का दो पार्ट है. पहला तो मैंने बता दिया आपको क्लोरेन्काइमा, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ओके, व्हेन लूजली पैक्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस आर प्रेजेंट. पैकिंग इसका लूज रहता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा रहता है, उसे हम बोलेंगे एरेन्काइमा. एरेन्काइमा, दो चीज याद रखना, पैरेन्काइमा के दो पार्ट है, एक है क्लोरेन्काइमा, दूसरा है एरेन्काइमा. एरेन्काइमा का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वाटर लिली. आपने देखा होगा कि वो फ्लावर वाटर के ऊपर तैरता रहता है. व्हाई? हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज व्हेन लूजली पैक्ड, सेल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है. अगर इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है, लूजली पैक्ड है, तो नीचे से वाटर का एक फोर्स इसके ऊपर आएगा, जिसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे बॉयंसी. इट इज नोन एज बॉयंट फोर्स, बॉयंसी. ओके, सो एरेन्काइमा प्रोवाइड्स बॉयंसी टू पार्ट्स एंड हेल्प्स टू फ्लोट. मींस विच टिश्यू हेल्प्स टू फ्लोट? तो आपको आंसर पैरेन्काइमा नहीं लिखना है, आपको लिखना है एरेन्काइमा, ठीक है. कौन मदद करता है? एरेन्काइमा. फिर खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में कौन मदद करेगा? क्लोरेन्काइमा. सो पैरेन्काइमा का मैंने आपको ये ब्रीफ समझा दिया है. यहाँ पे बात आ गई उसकी, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा की. डियर स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल टिश्यू का सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.